अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने तालिबान को चेतावनी दी है कि काबुल हवाई अड्डे से उस दीयां मुहिमां ते कोई गड़बड़ी की जां अमरीकी फोर्सां ते हमला होया तो उसनों इसका जवाब दिता जाएगा। बाइडन ने कहा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अते होर प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार सवेरे नाटो सहयोगियों नाल मुलाकात करके अगे दे रस्ते ते चर्चा की थी ता जो अमरीका अते सहयोगियों ते अतवादी हमला करने टिकाणे दे रूप में अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में अतवादी रोकू मुहिम से तिरछी नज़र बनाई रखेगा। बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान निकासी मुहिम खतरनाक है, इस विच साडियां हथियारबंद फोर्सां नूं खतरा है अते मुश्किल हालात विच इस नूं संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं ये वादा नहीं कर सकता कि आखिरी नतीजा की होगा या इस विच जान जान का जोखम नहीं होगा, पर कमांडर इन चीफ के रूप में मैं तुहानूं भरोसा दवा सकता हाँ कि मैं हर जरूरी सोमे मुहैया करवावांगा। अमरीकी नागरिकां ते बीते 20 सालों दौरान इन्हों का सहयोग करने वाले अफगान लोगों को अफगानिस्तान तो कढ़न की जो मुहिम अजे चल रही है वह इतिहास में हवाई मार्ग तो लोगों को कढ़न के सब तो वड्डे अते मुश्किल मुहिमों के विचों एक है अते इस विच लोगों की जान जान का भी जोखम है। बाइडन ने अफगानिस्तान विच फौजियों की वापसी के अपने फैसले का बचाव भी जारी रखा अते कहा कि सोमवार को काबुल हवाई अड्डे से शुरू हुई अफरा तफरी की स्थिति तो बाद तो अमरीका ने लोगों की निकासी की मुहिम में बहुत सफलता हासिल की है। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने फौज अफगानिस्तान के सहयोगी देशों के 50-60 हज़ार लोगों को भी यह वचन दिती है कि जो अफगानिस्तान तो निकलने की आस लगाई बैठे हैं पर उतों कढ़न अमरीकी नागरिकों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि बाइडन ने कहा कि अमरीकी नागरिकां स्थाई निवासियों और उनके परिवारों समेत होर हज़ारों लोगों को निजी चार्टर जहाज़ों कढ़िया गया है जिन्हों का प्रबंध अमरीकी सरकार ने किया।